आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के नर्सेज पदनाम परिवर्तन की मांग बीते काफी लंबे समय से कर रहे हैं और मांगों को लेकर सरकार की ओर से घोषणा भी की गई, लेकिन 3 महीने के लंबे समय बीत जाने के बाद भी पदनाम परिवर्तन का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। 3 महीने से फाइल स्वास्थ्य निदेशालय से सचिवालय घूम रही है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया है। नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष प्यारेलाल चौधरी ने बताया है कि बीते दिनों नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत की गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से 2 सप्ताह का समय मांगा गया है। अगर प्रशासन की ओर से 2 सप्ताह में पदनाम परिवर्तन का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो प्रदेश के नर्सेज की ओर से आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री ने नर्सेज की लंबे समय से मांग थी, जो नर्स ग्रेड सेकंड को नर्सिंग ऑफिसर, नर्स ग्रेड प्रथम को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, और विभाग के द्वारा एक पैरा 148 और एक पैरा 149 पे लगातार एक ही दो पैराओं पर बार बार आक्षेप किया जा रहा है। दिनांक 16 तारीख को हम हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ हेमंत गेरा जी जो कार्मिक के सेक्रेटरी हैं और अखिल भारतीय वित्त के सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे मिले थे। कहा कि हमने कहा सर, सरकार ने जब कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के अंदर उस फैसले को लागू कर दिया, उसके बाद विभाग के द्वारा लगातार एक ही पैरा को करके बार बार आक्षेप लगाया जा रहा है, इससे राजस्थान की समस्त नर्सेज में आरोप है, आक्रोश है। और इसी बात को लेकर हमने एक मीटिंग रखी थी राज्य सरकार को, हमने 5-7-10 दिन टाइम दिया, अगर सरकार शीघ्र कोई कार्रवाई नहीं की तो राजस्थान में एक बार फिर पुनः आंदोलन का बिगल बुझेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की।